देखो रे सालो, यही है तुम सबकी भाभी। क्या करता है तू? कितना पढ़ा है? क्या पहचान क्या है तेरी? जय शिवाजी, जय भवानी। क्या जानता है तू महाराज के बारे में? महाराज मतलब कहर थे, कहर मुसलमानों के लिए। बस कहर थे महाराज, लेकिन किसी एक समाज के लिए नहीं, बल्कि बुरी नीयत और धर्म के अंधों के लिए। महाराज अगर सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ थे तो उन्होंने दौलत खान को शस्त्रागार का प्रमुख नहीं बनाया होता। मदारी मेहतर महाराज का सबसे वफादार अंगरक्षक था। काजी हैदर नाम का एक मुसलमान महाराज का वकील था। अरे सिद्धि लाल और श्यामाकांत जैसे सरदारों ने कितनी लड़ाइयां जीती है महाराज के लिए, ये पता है? तू खुद को बड़ा भक्त बोलता है ना महाराज का, तो मुझे बता महाराज को जनता का राजा क्यों कहा जाता है, ये पता है? उनके राज्य में किसानों के लिए क्या नीतियाँ थी, ये पता है? औरतों के बारे में उनके क्या विचार थे, ये पता है? उनकी प्रजा उनके लिए जान देने को भी क्यों तैयार रहती थी, ये पता है? नहीं ना? अरे ये सब पता नहीं तो कौन सा शिवाजी महाराज पता है? ये भीम सैनिक, बाबा साहेब की जयंती मना रहे हो ना, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता है क्या? इस देश का संविधान लिखा उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग भी लिखने आता है क्या तुझे? एक जय भीम कहने की औकात नहीं है तुम्हारी। महाराज का काम और बाबा साहेब के विचारों का प्रसार करने के लिए तुम्हारे जैसे नालायक भक्तों की जरूरत है। हाथ नीचे रख, नहीं तो सबके सामने कान के नीचे बजाऊंगी। तुझसे डरती नहीं हूँ मैं, गुलामों से डर नहीं लगता है मुझे। मालिक को खुश करने के लिए अपने ही लोगों की जान लेने वाले सिर्फ गुलाम होते हैं। गुलामों पर हम थूकते भी नहीं।